मैं 1968 सितंबर से ईश्वरीय ज्ञान को समझा। मेरे लौकिक बर्थ शिक्षा आदि आदि जो बेंगलोर में था, और बेंगलोर में होने के कारण उन दिनों में मुझे हिंदी बिल्कुल नहीं आता था, परंतु फिर भी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आने के बाद में, यहाँ की शिक्षा प्राप्त करने के बाद में, यहाँ का विशेष अनुभव करने के बाद में, यहाँ के हर आत्मा के साथ मिलने की, चाहे बड़े दादिया दीदी मनमोहिनी दादी, प्रकाशमणि जी, गुलजार दादी और जानकी दादी, रतन मोहिनी दादी, चंद्रमणि दादी और अन्य सभी दादियों का माला पड़ा तो बहुत है, जगदीश भाई, रमेश भाई, तिरवर भाई, ब्रजमोहन भाई, इन सब से मैंने बहुत बातें सीखा हूँ, बहुत अनुभव किया हूँ, बहुत प्रोटेक्शन लिया हूँ, बहुत पालना लिया हूँ, और ऐसे परिवार के सारे देश विदेश के परिवार के भाई बहनों से मुझे उमंग उत्साह मिला है। आज हमारा जीवन में कुछ भी साधना किया हो, सफलता मिला है, वह सिद्धि हुआ है, वह बाबा का प्रत्यक्ष करने के कार्य में अंगुली हमने डाला है, परंतु इसके पीछे बाप दादा का आशीर्वाद कहो, ब्लेसिंग कहो, वह एक अंगुली पकड़ करके आगे ले जाने की बात है। बाबा अनुभव किया हुआ पल पल में, शुरुआत में मैं नेहरू नगर बेंगलोर में एक एक्सटेंशन एरिया है, वहां हम रहते थे, उसके सामने कुछ एक रास्ते में हम लोग डेली में कॉलेज में जाता था, ईश्वरी विश्वविद्यालय का बोर्ड देखता था, बोर्ड बड़े लंबे बोर्ड, परंतु इट वाज हाउस्ड इन वेरी स्मॉल बिल्डिंग, एक अपार्टमेंट का बिल्डिंग में था। मैंने आश्चर्य लगता था, हम तो बेंगलुरु यूनिवर्सिटी, मैसूर यूनिवर्सिटी, कर्नाटका यूनिवर्सिटी, ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी, ऐसे यूनिवर्सिटी का नाम सुनते, इतनी इधर ईश्वरी विश्वविद्यालय, वो भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, इतना बड़ा नाम देखता तो मैंने पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन सी शिक्षा देते हैं, कौन सी कोचिंग कराते हैं, वह किस बात के लिए कराते हैं। ऐसा एक डेली मेरे मन में कई बार प्रश्न उठता था। एक दिन हम शाम के टाइम अपना साथी एक फ्रेंड को हमारा क्लासमेट, हम दोनों बैडमिंटन खेलने के लिए जा रहे थे बैट हाथ में पकड़ करके, परंतु ये क्यूरियोसिटी के कारण उसी में बोर्ड देखा, मेरा फ्रेंड के साथ अंदर जा करके मैं भी गया। फर्स्ट फ्लोर में एक सेंटर था छोटा सा, और सभी नीचे बैठ करके जो साइलेंस में थे, मुझे योग भी क्या मालूम नहीं था, और सामने जो है गद्दी पर जैसे अभी बाबा का दिखाई देता है, ऐसे दादी हृदय पुष्पा दादी एक वेरी ब्यूटीफुल, उसके चेहरे पर खुशी आनंद सदा बिखेरते थे, और मैंने देखा वो दादी सबको दृष्टि दे रहे थे, सबको, इधर से भी कोई नहीं बोलते, ऊपर से गद्दी से भी कोई नहीं बोलते। लगभग 15-20 मिनट तक मैं भी हर एक को ऐसा 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 सब चक्कर में झेरो, कोई भी कुछ बोलते ही नहीं, ऐसे ही देख रहे, परंतु वो दादी मेरे तरफ से देखती, थोड़ा टाइम के लिए देख करके दृष्टि दिया, मुझे दृष्टि क्या वो भी मालूम है, परंतु उसके चेहरे पर एक खुशी का, एक शांति का, एक वाइब्रेशन, प्यूरिटी का वाइब्रेशन का, एक होली नेस का मैंने अनुभव किया उसी टाइम में। तब बाद में दूसरे भाई ने लाइट ऑन करने के बाद में उला करके, छोटा सा रूम था उधर सिटिंग रूम में, उला करके गया, परिचय हुआ इंडिविजुअली। बाद में मैंने वही पूछा, ईश्वरी विश्वविद्यालय इतना बड़ा नाम रखा है, ये कौन सी डिग्री देते हैं, कौन सी शिक्षा देते हैं, और किस बात की कोचिंग होती है। उन्होंने बोला 7 डेज कोर्स करेंगे तो आपको मालूम पड़े, मैंने कितना टाइम स्पेंड करना है, उन्होंने बोला डेली 1 आवर। तब मैंने इमिडिएटली देखो बाबा जब कुछ कराना होता है, मैंने वो भाई से पूछा मेरे साथ, हम आज से ही शुरू कर देते, छोड़ो बैडमिंटन रोज खेलते हैं, हम आज थोड़ा आया है तो सीख के जाएंगे क्या समाचार, और इमिडिएटली कोर्स शुरू किया। वेरी फर्स्ट डे आत्मा का लेसन उन्होंने सुनाया, सुनते सुनते मैंने को एक ऐसी विशेष अनुभव हुआ, मैं सचमुच मैं आत्मा हूँ, इससे पूर्व में, अभी तो ये शरीर में है, मृत्युंजय नाम से पहचानता है, परंतु इससे पूर्व में मैं था, आगे भी रहेंगे शरीर छोड़ने के बाद में भी। ये तीन जो बातें बहुत मुझे एक साइंटिफिकली लॉजिकली एक आर्गुमेंट के माध्यम से उन्होंने सुनाया, बहुत खुशी हुई। उसके बाद में मैं सोचा देन मैं आत्मा हूं तो नेचुरली पूर्व जन्म में क्या था, आगे क्या होगा, ऐसा करके बहुत प्रश्न मेरे मन में उड़ता था। कुछ उस समय में मुझे
पूर्व जन्मों का एक एक्सपीरियंस करने का वह वो बैक ऐसा भी मुझे अनुभव किया उस समय में। उसके बाद में मैं आत्मा का ध्यान हुआ। अभी तो आप सबको मालूम है आगे के लिए शिव बाबा का परिचय दिया। हम लौकिक में से शिव बाबा को याद करते थे, बाबा शब्द भले यूज नहीं करते, परमात्मा शिव को साउथ में लिंगायुष कहते हैं, लिंग पूजा करना, उसको लिंग को हमारा गले में एक गोल्डन एक सिल्वर बॉक्स बना करके उसके अंदर रखते हैं और उससे डेली 2 times स्नान करके पूजा करके, ये हमारा लौकिक का पद्धति था। और उसके लिए वो शिव के बारे में जो बात किया था मुझे बहुत खुशी हुई, ये तो अपना ही ज्ञान सुना रहा है ऐसा करके। धन वो तो लंबा हिस्ट्री है। बाद में तीसरे दिन के अंदर मुझे एक बहुत बड़े अच्छा अनुभव हुआ योग के बारे में। मुझे उस बिल्डिंग के सामने जो दादी जो बैठते उसके सामने एक कैस्केट लगाया था, वो कैस्केट को देखते रहो, बाबा को याद करो, और याद क्या मुझे भी मालूम नहीं, सिर्फ बाबा को देखते रहो। ऐसे मैंने देखता रहा, मुझे एक ऐसा अनुभव हुआ क्योंकि दूर से कोई भी व्यक्ति मेरे साथ फोन से बात कर रहा है। जो फोन से बात करते व्यक्ति चेहरा भले नोन व्यक्ति तो चेहरा आ जाता है, अननोन व्यक्ति भी बात करेंगे तो शब्दों के माध्यम द्वारा उनकी बातचीत होकर रियलाइज होता है कौन है क्या बात। ऐसे मुझे ऐसा लगा बाबा हमारे से बात कर, भले वो शब्द बाबा उस समय में हम यूज नहीं करते थे, मालूम ही नहीं था, और मेरे से बात कर रहे कुछ। ये एक्सपीरियंस घर में जाने के बाद में हुआ। रात में 12 बजे तक नींद नहीं होता था, फिर भी वो मैं कौन हूँ यही प्रश्न का जवाब ढूंढता था, कुछ नया अनुभव। ऐसे ही हमारा 7 days कोर्स भी उधर किया। और उसके बाद में मुरली क्लास में आने के लिए दादी हृदय पुष्प दादा दादी प्रोत्साहित किया, और मैं उन दिनों में 5:30 बजे तक मुरली होता था। मैं डेली अमृत वेले उठ करके क्लास में जाता था, थोड़ा टाइम योग करके मुरली सुनने के लिए बैठता था, परंतु दादी तो मुरली हिंदी में सुनाती थी, मेरे को 1 घंटा उधर हिंदी सुनना कठिन लगता था क्योंकि समझ में नहीं आता है, और कोई ट्रांसलेशन करके भी नहीं सुनाते थे, और हिंदी बाद में मैं बीच में सर उठ करके धीरे धीरे से चले जाता था, परंतु फिर भी शाम को टाइम कभी भी टाइम मिलता था शाम को जाता था उधर योग करने के लिए बैठने के लिए। परंतु दादी हृदय पुष्पा दादी मुझे मेरा दिल से उसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ अभी भी, उन्होंने एक इंग्लिश बुक दिया द रियल गीता जगदीश जी ने लिखा हुआ सच्ची गीता, जो उसका इंग्लिश वर्षन का एक बहुत अच्छा किताब, मैं जाकर के उसको पढ़ता था। उसमें फर्स्ट पर्सन में माय डियर चिल्ड्रन, माय डियर लवली चिल्ड्रन, माय डियर लॉन्ग लॉस्ट चिल्ड्रन, ऐसे बाबा कह करके आगे बहुत अच्छी अच्छी बात, वो पढ़ते पढ़ते मेरे आंखों में आंसू आ जाता। माय डियर चिल्ड्रन कौन कह सकते, कोई व्यक्ति नहीं कह सकता, कोई स्वामी जी नहीं कह सकता, क्योंकि हमारे घर में बहुत स्वामी जी लोग आते जाते रहते थे, और उनका उनके कारण से हमारा घर में एक धार्मिक वातावरण तो ऑटोमेटिकली था, और मुझे भी बहुत इन्होंने प्रोत्साहित किया था एक मठ का स्वामी जी बनने के लिए। आज भी वो सिद्धियांगा मठ साउथ में बहुत बड़ा एजुकेशन सेंटर है, हब है उधर। मेरे को परंतु ये बातें वातावरण उधर बैठ करके बाबा को मैं देखता था बहुत खुशी हुई, और वो किताब पढ़ता था मेरे उस समय में बहुत आंखों में आंसू आ जाता था मुझे, बाबा यही बाबा हो सकता है, दैट इज हाउ आई रियलाइज फ्रॉम द गीता वो। बाद में चलो थोड़ा थोड़ा सेवा में लग गए, कुछ एक माता थी उसमें बहुत पुरानी माता, उन्होंने एक हिंदी में सारी मुरली को ट्रांसलेट करके कन्नड़ा में देती थी मुझे उसको टाइप करके देने के लिए। उस समय में एक लौकिक में भी एक सर्वज्ञ एजुकेशन सोसाइटी के नाम से मेरा भाई हम दोनों मिल करके एक सोसाइटी बनाया था, एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन किया था, और हम उसको जाकर के टाइप कराते हिंदी में, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेटेड मुरली बना कर देते थे। मेरा एक सेवा का फर्स्ट ज्वाइनिंग तो वो है। उसके बाद में लोग मुझे बहुत अप्रिशिएट करने लगे, खुशी एक्सपीरियंस उनका, और साथ साथ में कुछ माता या कुछ भाई लोग जिसको हिंदी नहीं आता था वो लोग हिंदी कन्नड़ा मुरली सुन करके बहुत खुश हो जाए। रिजर्व इन द फर्स्ट इंटरेक्शन और सेवा में लगे बात की बात बहुत है, और मेरे कहने की भाव यह है इस समय उसके बाद में कोर्स पूरा करने के बाद में मैं आज तक गार्डली स्टूडेंट ही बना हूं।
आई नेवर लुक्ड बैक। आपको बहुत समस्या तो आता ही है, परंतु समस्या का समाधान एक मास के अंतराल में मैं माउंट आबू आया था, उसी एक ही मास हुआ था, अभी नया नया था, परंतु फिर भी मैं घर में किसी को नहीं बोला। हम एक कॉलेज में एक्सकर्शन जा रहे हैं, फ्रेंड के साथ में जा रहा हूँ ऐसा कह करके, परंतु वेरी फर्स्ट दैट इज इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और माउंट आबू आया तो मैं बाबा को आंगन में देखा, देखते हुए मुझे ऐसी लगा मेरे जीवन में बहुत महात्माएं संत लोग जगत गुरु लोग इन सब से मिला था पहले, परंतु ऐसी बाबा की देखते हुए ऐसा लगा मुझे भाप आया। परंतु मैंने फर्स्ट टाइम देखा था बाबा को भी, फोटो तो चलो सेंटर में देखा था, लिविंग पर्सन लिविंग ऑन अर्थ ऐसी एक डिवाइन पर्सनैलिटी को मैं देखा। मैं अभी भी स्नान भी नहीं किया था, उसी टाइम में आया था, मेरी दादी ने अभी बाबा के पास नहीं जाओ अभी स्नान करके बाद में शाम को मिलेंगे ऐसा, परंतु फिर भी मैं नजदीक जाकर के बाबा का धनी लगा दिया। परंतु वो एक्सपीरियंस जो है मुझे एक तरफ ट्रांस में चले गया हो, वह एक लाइट को एम्प्रेस करने से क्या अनुभव होता है, वह एक ऐसी एक वेरी लाइट को एम्प्रेस करने से खुद भी एक लाइट हो। That was the first experience, a divine interaction का मेरा अनुभव हुआ। उसके बाद में मतलब लगभग एक सप्ताह तो हम लोग रहे, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव किया। उसके बाद में मेरे को ये कन्फर्म हो गया ये तो शिव बाबा के तन में प्रवेश होता है, और उसके बाद में बाबा का मुरली आदि थोड़ा थोड़ा समझ में लगा, परंतु वापस मुझे जाना ही था क्योंकि नेक्स्ट एग्जामिनेशन फाइनल ईयर बीकॉम एग्जामिनेशन था, इसके लिए वापस गया बेंगलोर में। तब से लेकर के मैं कभी मिस नहीं किया, और उसके बाद में तो बहुत समस्या भी आते हैं, लोगों को मालूम पड़ा लौकिक हमारा बड़ा भाई और अन्य लोगों को, ये तो आजकल सुबह सुबह 5 बजे चले जाता है पढ़ाई करने के बजाय, उन्होंने जाकर के हमारे लौकिक पिताजी बेंगलोर में नहीं रहते थे, बेंगलोर से करीब 25-30 किलोमीटर दूर एक नलमंगा तालुक उस समय नजदीक रहते थे, और उनको बुलाया हमारे पिताजी को, बुला करके मेरे ऊपर कंप्लेंट दिया, और हमारे पिताजी कुछ नॉर्मली फैमिली मेंबर्स जो कहने तक कह करके मुझे सिद्धगंगा मठ एक स्वामी जी उनके पास लेके गया। अभी उधर नहीं जाना आपको, डेली आपको तो स्वामी जी बनना हो तो भी बना लेंगे, वो आपको पढ़ाई में कंसंट्रेट करो, और इधर सुबह सुबह जा करके पता नहीं उनके बारे में उनकी इंप्रेशन ही ठीक नहीं था, परंतु उन्होंने स्वामी जी को नमस्कार टाल के आप उधर नहीं जाएंगे ऐसा प्रॉमिस करने के लिए कहा। मैंने बोला अभी तो मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ, मैं पहले मुझे पढ़ाई पूरा होने दो, बाद में जो भी कहना हम बाद में बताएंगे। विद इन वन ईयर भी नहीं हुआ, केवल 3 मास के अंदर बाबा अव्यक्त हो गया। अव्यक्त होने के समय में बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस होता है, जिस दिन बाबा का शरीर छोड़ा उस दिन मैं रात को बाबा को याद करके सोया था, सुबह मेरे स्वप्न में एक सारी दुनिया में आग लगा है, बीच में बाबा खड़ा है, बाबा जैसे अभी बैक साइड में हाथ रख कर खड़ा है, बहुत नजदीक नजदीक तक आग आ गया, और उसको देखते देखते मैं सडनली आंख खोला, ये क्या हो रहा है, बाद में देखता हूँ ये तो मैं एक स्वप्न देख रहा हूँ। तब उसी दिन सुबह सुबह मैं क्लास में गया थोड़े टाइम के अंतराल में, और क्लास में जाने के बाद में सभी, और उसी दिन भी भट्टी एक योग रखा था, भट्टी शब्द मुझे मालूम नहीं था भट्टी क्या होता है, परंतु योग बैठे योग कर रहे थे हम लोग, तो तब बॉम्बे से एक मैसेज आया दादी हृदय पुष्प दादी को, और जाकर के फोन अटेंड करके उन्होंने उधर ही गिर गए हृदय पुष्प दादी, उसका अनकॉन्शियस हो गया, सभी ने डिस्टर्ब हुआ जाकर के दादी को लेकर के उनके कमरे में सुला करके थोड़ा पानी के नीचे छिटकाया, अब तो सबका आश्चर्य है दादी कुछ बोली नहीं, कुछ समय के बाद में उसको कॉन्शियस में आए, दादी ने बताया बाबा शरीर छोड़ दिया, सबको एक शॉक जैसे लगा और सबके अंदर आंखों में आंसू आने लगे, मुझे थोड़ा थोड़ा आंसू आया, परंतु ये कैसे हो सकते, अभी अभी हम 2-2.5 मास के पहले हम लोग मधुबन में जाकर के मिल के बाबा वेरी हेल्दी था वेरी स्ट्रॉन्ग था, उस समय भी कोई बीमार नहीं थे और बाबा इतना एक्टिव था उस समय में भी, मैंने बोला ये कैसे हो सकता है, एनीवे वो ड्रामा हो गया था। बाद में कुछ भाई बहने मुझे तो वापस माउंट आबू आ नहीं सका उस समय में, परंतु कुछ भाई लोग हमारा मरियप्पा भाई बसवराज भाई दादी हृदय पुष्पा दादी और आशा बहन का पिताजी, उन्होंने
पूरी नाम का नाम था, वो लोग माउंट आबू के लिए बाई ट्रेन, उन दिनों में फ्लाइट वगैरह नहीं था अहमदाबाद के लिए, और उन्होंने बाई ट्रेन में गया। और आने के बाद में हिस्ट्री लोग बाबा का 21 तारीख संस्कार भी हुआ, उसके बाद में भोग लगने के लिए गुलजार दादी को दादी प्रकाशमणि जी ने बिठाया गद्दी पर, उसके बाद में बाबा खुद भी प्रवेश होकर के बाबा ने सारा मुरली 21 जनवरी का मुरली आप सभी जानते हैं, वो अनुभव लोगों को सबको बाद में आकर के शेयर किया। और उससे भी मुझे बहुत एक प्रेरणा मिली, और बाद में एक ऐसा संस्था चलता है उसके बारे में भी एक विजन मिला, और उसके बाद में हिस्ट्री आप सभी जानते हैं। मेरे कहने की भाव है बाबा को एक बार अपने संकल्पों द्वारा तीसरा नेत्र बाबा ने खोल दिया, रियलाइज किया, उससे लेकर के आज दिन तक मेरे मैं इस संस्था में एक गॉडली स्टूडेंट हूँ। सेवा तो अलग बात है, सेवा हमारा एक बाबा का ब्लेसिंग है, बाबा का वरदान है, बाबा का हाथ है हमारे सिर पर, और साथ साथ में सभी दादियों जितना भी मैंने ये सौभाग्य मेरे जीवन में मिला, ऑलमोस्ट ऑल मम्मा को छोड़ करके दीदी दादी जानकी दादी गुलजार दादी मनोहर दादी चंद्रमणि दादी शांतामणि दादी, इन सब दादियों का पालना मुझे मिले, और उनके साथ कई न कई कार्यक्रमों में मैं दादी के साथ यात्रा भी किया हूँ, बहुत प्रकार के फ्लाइट में गया हूँ, कार में गया हूँ, स्पेशल हेलीकॉप्टर के साथ ऑर्गेनाइज करके लेके गया हूँ, इन सभी बहुत हमें बहुत इट इज अ लॉन्ग एक्सपीरियंस एंड डिवाइन एक्सपीरियंस, इसके कारण से मैंने सभी दादियों के समीप और सभी दादा बड़ा जगदीश जी के साथ, अब बाद में रमेश भाई के साथ इतना नहीं था मेरा, परंतु जगदीश भाई निर्वेर भाई जी के साथ बहुत नजदीक आने का व उनका जो भी सेवा करने की मौका मुझे मिला बहुत बार, चाहे दिल्ली में चाहे मधुबन में चाहे अलग अलग स्थानों पर उनके साथ कुछ सेवा करने का, एक ट्रेनिंग पीरियड मानो उस ट्रेनिंग लेने का और बहुत अनुभव किया था मैंने। इसी प्रकार का मधुबन में आने का मुझे एक 1982 में फर्स्ट, उससे पहले भी मैं बेंगलुरु में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस आयोजन किया था विधानसभा बैंकवेट हॉल में, आप सबको मालूम है हर स्टेट में एक विधानसभा होता है, उसके साथ साथ कुछ बड़े हॉल भी होता है, और उधर नॉर्मली किसी बाहर के रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को देता है, मैं कुछ पुरुषार्थ करके उन दिनों तत्कालीन चीफ मिनिस्टर से मिल करके इन्फ्लुएंस करके वो हॉल लिया था, उसमें 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा था, कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन सर्वाइवल, उस समय जगदीश जी बड़ी दादी दीदी और ये सब आए थे, उनको देख करके इतना बड़ा स्थान पर कैसे कॉन्फ्रेंस किया। उसके बाद में निर्वेर जी ने मुझे थोड़े दिन के बाद में एक पत्र लेकर के आप माउंट आबू आना और एक नेक्स्ट ईयर एक कॉन्फ्रेंस आयोजन करना चाहते हैं माउंट आबू, देन माउंट आबू आया और उनका कॉन्फ्रेंस के बारे में डिस्कस किया, हम लोग यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस 1983 फरवरी से शुरुआत किया था, तक उस समय में माउंट आबू में ओम शांति भवन भी निर्माण हुआ था और उसमें भी काफी हाथ है सहयोग है। उसके बाद में हम लोगों को मालूम है अब 1883 फर्स्ट यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस किया था, 124 मीडिया पीपल आए, उसके सिवा यूनाइटेड नेशंस के डॉक्टर रॉबर्ट मुल्लर आए और सेंट्रल गवर्नमेंट का एक मिनिस्टर था तत्कालीन शिवराज पाटिल, मुझे बहुत अच्छा उसका अलग एक्सपीरियंस है, उनको ले आने के लिए निमित्त बने, अफ्रीका से भी कुछ मिनिस्टर्स आए थे और भी अलग अलग बड़े बड़े लोग, तो उस कॉन्फ्रेंस में दैट वाज द फर्स्ट वेरी बिग इवेंट मधुबन में जो हुआ था, उसमें मेरा अंगुली डालने का ऑफिस का कारोबार करने का मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला। उसके बाद में कॉन्फ्रेंस तो बहुत अच्छा सक्सेस हो गया, बहुत खुश हो गया, और बाद में मैंने दादी के पास जा करके मैंने रिक्वेस्ट किया, दादी मैं वापस बेंगलुरु जाना चाहता हूँ। दादी ने पूछा क्यों जाना चाहते हो, मधुबन अच्छा नहीं लगता है क्या आपको, मैंने बोला मधुबन अच्छा लगता है, दादी अच्छा लगता है, सब अच्छा लगता है, परंतु यहाँ का ठंडी अच्छा नहीं लगता क्योंकि हम लोग साउथ में एक स्वेटर भी नहीं पहनते और ठंडी होता ही नहीं था। और मैंने दादी को कहा उस समय में इसके लिए मैं वापस बेंगलुरु जाना चाहता हूँ,
दादी ने मुझे देख करके दृष्टि देख करके, देखो ठंडी के सीजन में दादी सोचती है मैं बॉम्बे जाऊं दूसरी जगह जाऊं इधर छोड़ करके, आपका आयु कितना मेरा आयु कितना। दादी ने बोला, वो बोलते मेरे को ऐसा फील हुआ दादी वांटेड मी टू हियर इसके लिए। वो उसी दिन मेरे को ठंडी का जो बार बार संकल्प होता था वो छोड़ दिया मैंने, बोला ठीक है मैं दादी इधर ही रहेंगे। दैट इज अ ब्लेसिंग पीरियड फॉर मी, और इधर परमानेंट के हिसाब से रहने का भी, और दादी का वो एक शब्द मेरे दिल में छाप गया, मैंने उसी दिन ठंडी को भगा दिया, मतलब इधर रहने का संकल्प किया। उसके बाद में तो अलग ही, हर साल में लगभग हम लोग यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस करीब 5 times रिपीट किया, 5 years तक कंटिन्यू। बाद में नाम हमारे चेंज हुआ, अलग अलग कॉन्फ्रेंस के रूप में किया। मेरे एंट्री टू मधुबन आज मधुबन निवासी एक कॉन्फ्रेंस माध्यम बना, और उस समय में दादिया सभी दादिया थे उस समय में, और जगदीश जी भी बीच बीच में आते रहे, और निर्वर जी मेरे को एक अंकल के रूप में, बड़ा भाई के रूप में, एक गाइड एंड फिलोसोफर के रूप में, हर बात से राय करना, दादी से मिलना, वो सारी बातें बहुत वंडरफुल है। इसके लिए उसका अनुभव, उसके सिवा बहुत मुझे इस इंस्टीट्यूशन में आकर के करीब मोर देन 40 years मधुबन में रहते, अदरवाइज नॉलेज 52 years हुआ है। 52 years का मैं एक युवा कहो जवान कहो जो भी है मैच्योर कहो, और भी अलग अलग सेवा करने के लिए मौका मिला, चाहे दिल्ली में मेला करने के टाइम था उधर रामलीला ग्राउंड में, उन दिनों में मैं कर्नाटक से आकर के किया था, और रेड फोर्ट में एक बड़ा प्रोग्राम करने का मौका मिला था, उस समय भी मैं कर्नाटक से रिप्रेजेंट करके एक स्टॉल लगाए थे, और अलग अलग और भी एक विज्ञान भवन में दिल्ली में कॉन्फ्रेंस करना था, आयोजन किया था उस समय में बीडी जत्ती को, उस समय में बीडी जत्ती वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनके साथ हमारा बहुत अच्छे कनेक्शन थी, साउथ में लास्ट तक भी उनके साथ बहुत कनेक्शन थी। एज ए चीफ मिनिस्टर ही केम, एज ए गवर्नर ही केम, एज ए वाइस प्रेसिडेंट ही केम टू दिस ऑर्गेनाइजेशन, उन सभी सिचुएशन में मुझे उनको ले आने के लिए माध्यम बने, और उस फर्स्ट एक VVIP हिंदुस्तान में ईश्वरी विश्वविद्यालय के कार्य में भाग लिया, तो बीडी जत्ती वो बेंगलोर में अलग अलग स्थान में लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में आते थे, परंतु एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसके बाद में तो अब बहुत लिस्ट है मेरे को। और मेरे बहुत समय से जिस दिन मैं कॉलेज जाने के टाइम में मन में आता था ये कॉलेज में क्यों ये पढ़ाई नहीं पढ़ाते, इसकी इतनी महत्वपूर्ण बात है, परंतु ड्रामा मुझे एजुकेशन विंग की मेंबर बनने के बाद में, उसका एक कोऑर्डिनेटर के रूप में बनने के बाद में, अभी तो मैं चेयरपर्सन के रूप में कहते हैं, परंतु वो बात इम्पोर्टेंट नहीं है, चेयरपर्सन है वह नेशनल कोऑर्डिनेटर है जो भी है, परंतु उस विंग में मेरा एक सबसे बड़ी सोच था मेरे बचपन से ही यूनिवर्सिटी में इस बुक्स को लागू होना चाहिए, परंतु आज के दिन में मैं खुशी से कह सकता हूँ करीब 8 courses हम लोगों ने यूनिवर्सिटीज के माध्यम द्वारा करीब 23 universities के साथ हम लोग MOU करके अलग अलग सब्जेक्ट पर कोर्सेस कराते हैं। मुझे ये बहुत खुशी की बात है, मैं यूनिवर्सिटी के जब जाता था उस टाइम ये अनुभव किया था, मेरे संकल्प था बाबा ने ये सिद्धि कर दिया, और आज कई यूनिवर्सिटी के साथ हमारा MOU करके ये कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है, और आगे के लिए और क्या होगा बताएंगे। मेरे कहने की भाव है मैं जितना भी संकल्प अच्छे अच्छे संकल्प मैंने किया, वह बाबा ने मेरे को संकल्प दे करके अपने आप को अमर अंगुली पकड़ करके बड़े बड़े कार्यक्रम कराया, इसका श्रेय जाता है दादी प्रकाशमणि जी को, इसका श्रेय जाता है निर्वर भाई को, इसका श्रेय जाता है भ्राता जगदीश जी को, अन्य भाइयों को तो है, परंतु ये डायरेक्टली मेरे को सपोर्ट करके हर बात में एक विश्वास रख करके मेरे ऊपर बहुत बड़े विश्वास। एक बार मुझे एक विशेष सेवा करके आया था बाबा ओम शांति भवन में, बाबा मिलने के लिए प्रोग्राम चल रहा था, मैं लास्ट में सभी अनेक लोग हम बाबा के पास जाकर के टोली का था, उस समय में भी मैं ऊपर स्टेज पर गया और दादी बाबा के बगल में बैठी थी, दादी ने खुद
ये मृत्युंजय भाई अच्छे अच्छे बड़े बड़े वीएफ इसको इधर ले आता है और अलग अलग लोगों को बहुत बातें ऐसे बाबा को इंट्रोड्यूस किया। बाबा ने मुझे दृष्टि दे करके ऐसे दे करके दो मिनट बाबा ने दृष्टि दिया, ये बच्चे वीएफ इसका नाक और कान पकड़ने वाला है, ऐसा बाबा ने बोला। सब सभा में फॉरिनर्स देश के भाई बहने थे, सब हंस रहे थे। बाद में आकर के मेरे को बोले तो बाबा का इतना बड़ा ब्लेसिंग, मैं आज उस ब्लेसिंग का अनुभव करता हूँ। अभी 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 भ्राता डॉक्टर जयंत भाई ने कहा ना, कई वीएफ इसका और दूसरे भाई ने कहा कॉन्फ्रेंस की टाइम है, ऐसे बाबा ने निमित्त बनाया और निमित्त बना के बहुत अच्छे अच्छे लोगों को इस संस्था में ले आने के लिए मुझे एक गौरव। बाद में कई दादियों को डॉक्टरेट डिग्री दिलाने में फर्स्ट हमने मोहनलाल सुपड़िया यूनिवर्सिटी के साथ दादी प्रकाश मणि जी को ऑनररी डॉक्टरेट दिलाया, उसके बाद में जानकी दादी को गीतम यूनिवर्सिटी के माध्यम द्वारा डॉक्टरेट डिग्री दिलाया, और उसके बाद में रतन मोहनी दादी को कर्नाटक गुलबर्गा यूनिवर्सिटी के माध्यम द्वारा उनको डॉक्टरेट दिलाने में निमित्त बने। मुझे एक ये सभी रिपोर्ट बना करके मैंने रांची विश्वविद्यालय द्वारा मुझे भी डॉक्टरेट डिग्री दिया और देन बल्लारी यूनिवर्सिटी के माध्यम द्वारा दिया और नॉर्थ ओडिशा गुजरात यूनिवर्सिटी उनके माध्यम द्वारा गुलजार दादी को दिया और गुलजार दादी को दो यूनिवर्सिटी अलग अलग डॉक्टरेट डिग्री देने में निमित्त बने। और इन सभी सेवा करने के लिए सब भी प्रेरणा एक तो बाबा है, एक तो मैं आज के समय में पुरुषार्थ यही कहता हूँ, बाबा को साथी बनाओ और संसार को साक्षी होकर के देखो। साक्षी होकर के हम काम करते हैं, इसमें कोई भी अड़चन नहीं आता, साथ में सहयोग। अभी अभी सुभाष भाई कह रहा था दादी का जो हुआ सेंटिनरी सेलिब्रेशन आयोजन किया था, बहुत बड़े वीएपी सब आए थे। मेरे कहने के बाद उसका बहुत लंबे हिस्ट्री है और इसके बाद में वो तो बहुत अच्छा सक्सेस हुआ, उसके बाद में भी बहुत कार्यक्रम हुए माउंट आबू में, अभी भी होता रहता है। अभी भी पिछले साल देखो बाबा का ड्रामा का वंडर है, 2019 के बाद में एक कोविड आया, कोई भी वीएपी सब यहाँ नहीं सकते। 2019 पूर्व में बहुत उसी वर्ष में प्रेसिडेंट भी आए, वाइस प्रेसिडेंट भी आए, बहुत मिनिस्टर्स सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट का गवर्नर शादी जो भी आए ये सभी। उससे पूर्व में डायमंड जुबली सेलिब्रेशन दिल्ली में हुआ था, मैं तत्कालीन प्रधानमंत्री देवेगौड़ एचडी देवेगौड़ा को ले आने के लिए निमित्त बने थे और उनको उनके साथ हमारा बहुत घनिष्ठ संबंध था। जब मिनिस्टर था तब चीफ मिनिस्टर बना, उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर बना, इन सभी पीरियड में भी उनके साथ मेरा बहुत अच्छे परिचय था, उसी कारण से वो भी सहज रूप में हो गया। मेरे कहने की बात है हम किसी को डरते नहीं, उनकी सेवा करते हैं और बाबा को साथी बनाता हूँ और साक्षी होकर के काम करता हूँ, बाबा सफलता देता है। सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, बाबा ने पहले ही स्टाम्प लगाया हुआ, परंतु दृढ़ विश्वास होना चाहिए अपने आप में, बाबा काम में, बाबा की सेवा में। मैं समझता हूँ इतना विश्वास हमको आगे ले जाता है। इसके लिए मैं इस समय में यही कहना चाहता हूँ, कोरोना का पीरियड में बहुत लोगों को आश्रम की समीप होते हुए दूर रहना पड़ता है, दूर होते भी समीप है, माना बुद्धि से समीप है, मन से समर्पण है, कर्म से समीप है और साथ साथ में बुद्धि योग बाबा के साथ है। इसके कारण बाबा कहीं भी हो, किधर भी हो, किस परिस्थिति में हो और उस परिस्थिति में भी बाबा मदद करता है। ये मेरे जिंदगी का हर घड़ी हर समय एक एक वरदान को ये मिलता रहता है और साथ साथ में परिवार का भी स्नेह सहयोग मिलता है और परिवार का स्नेह सहयोग मिलता है तो कोई भी काम करने के लिए सोचने की जरूरत नहीं, पॉजिटिव सोचते हुए एक प्लानिंग के मुताबिक चलते हैं तो ऑटोमेटिकली हम आगे बढ़ते रहते हैं। ये है और भी बहुत जीवन का अनुभव है, बड़े बड़े कार्यक्रम मेगा प्रोग्राम कलकत्ता में ऑर्गेनाइज करने के लिए, पटना में ऑर्गेनाइज करने के, बेंगलुरु कर्नाटक में तो 5 जगह में हम उन दिनों में ऑर्गेनाइज किया था बड़े बड़े कार्यक्रम। तो दादिया सभी दादी ऑलमोस्ट ऑल दादी, कभी गुलजार दादी, कभी जानकी दादी, कभी प्रकाशमणि दादी, कभी रतनमणि दादी, मनोहर दादी, इन सब दादिया और बड़े भाई लोग भी आए हुए। मतलब अभी
मैं इस समय में यही कहता हूँ, हम सबको एक संकल्प से सेवा, बाबा कहते हैं संकल्प शक्तिशाली है, संकल्प बीज है, संकल्प एक वृक्ष के रूप में बढ़ सकता है। इसके लिए संकल्प आप श्रेष्ठ करो और बाबा का विश्वास रखो और दृढ़ता के साथ साथ काम करते रहेंगे तो सफलता ऑटोमेटिकली मिलता है। मेरे को अभी तक कोई भी ऐसी असफल हुआ, फेल्यूर हुआ मेरे जीवन में ईश्वरी सेवा में है ही नहीं, मैंने देखा। क्यों? पापा साथ है और साथ साथ में हम जो जिस कार्य के लिए, जिस का प्रत्यक्ष करने के लिए सोचते हैं वो ऑटोमेटिकली बाबा मदद करते हैं। मैं सभी ब्राह्मण परिवार के भाई बहनों को यही कहता हूँ, अभी भले कोरोना पीरियड में बहुत प्रकार के समस्या आए, परंतु बाबा ने इन एडवांस पहले ही बोला था, आप तो दरवाजा खोल करके बाहर जाना मुश्किल होगा, बाहर के लोग अंदर आना भी मुश्किल है, और शव संस्कार करने वाला भी नहीं मिलता है, ऐसा बाबा ने कहा था। मैं समझता हूँ ये सारी बात उन दिनों में स्क्रिप्ट, बाबा ने स्क्रिप्ट लिखा था, आजकल वो फिल्म चल रहा है, माना बाहर फिल्म के रूप में दिखाई देता है, इसके लिए वो बड़ी बात है। बाबा अभी तो बाबा वतन में बैठ करके बच्चों को आह्वान करता है, बाबा ने कहा वतन में आकर के कितने भी समय आप आराम कर सकते हैं, कितने भी समय सकाश दे सकते हैं, कितने भी समय बाबा की गोद में रह सकते हैं, परंतु ये अनुभव करने के लिए जैसे बाबा ने अव्यक्त हो गया उस समय में तीन वरदान दिया था, निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी, परंतु इस बात को हम रियलाइज करें, इस बात को हमारा एक माइलस्टोन स्टेप समझे और इस बात से विश्वास रखे तो ऑटोमेटिकली बाबा ने बच्चों को किसी भी प्रकार के माया भी आवे वो तो हमको तोहफा दे करके, आपको एक गिफ्ट दे करके, एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करके एक्सेलेंसी की तरफ भागने के लिए, दौड़ने के लिए, उड़ने के लिए अनुभव कराते, ये भी बहुत बड़ा अनुभव करा है। मेरा एक सौभाग्य रहा, बहुत देशों में भी कुछ न कुछ ईश्वरीय कार्य के निमित्त जाना हुआ, उधर भी बहुत अच्छे अच्छे सर्विस हुए और हमारा परिवार का, दैवी परिवार का स्नेह मिला, ऐसे ही मिलता ही रहता है। मैं एक भाग्यशाली आत्मा हूँ, मधुबन में रह करके मधुबन निवासी सहित सारे विश्व को एक बाबा का कुछ संदेश देने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ एक्सपीरियंस करने के, कुछ डिविनिटी का एक रियलाइज करने के लिए और उसका एक स्वरूप बनने के लिए मिला है। मैं इतना ही कहेंगे सभी भाई बहनों को, टाइम इज वेरी शॉर्ट, अभी तो विनाश बाबा ने कहते ना आपका मुक्ति और जीवन मुक्ति का दरवाजे पर खड़े हो, अभी बाबा गेट खोलने की समय भी आ चुका है, अभी किसी भी वक्त में कुछ भी हो सकता है, अचानक हो सकता है, परंतु जो बाबा ने दिया वरदान उसका अनुभव करते रहे और पवित्रता ही हमारा सुख शांति की जननी है, पवित्रता ही हर प्रकार की समस्या का समाधान है, पवित्रता ही हर दुख को दूर करने के लिए, चाहे व्यक्ति का, चाहे परिवार का, चाहे समाज का, चाहे देश का संकट जो भी है, इन सब से आगे ले जाकर के एक नया विश्व का रचना रचने की बात हो, इन सब कारण बाबा के वरदान है, उनकी शिक्षा। बहुत बहुत याद प्यार, नमस्ते, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। Join Power of Sakash. Please subscribe कीजिए Power of Sakash YouTube channel and press bell icon ईश्वरीय महावाक्यों के लिए, महारथियों की powerful class और commentary सुनने के लिए। ओम शांति।